पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी दिखाई दे रहा है। बरसाती नदियां उफान पर हैं। यमुनानगर में सोम नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रविवार सुबह से इस जिले में बारिश शुरू हो गई, तो वहीं पहाड़ों से निकलने वाला पानी सोम नदी पर जब आया तो उफान पर है। सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने कहा कि सोम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उन्होंने कहा कि सोम नदी का खतरे का निशान 10,000 क्यूसेक पानी है। फिलहाल सोम नदी में 22,000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पानी निकासी के प्रबंध में जुटे हुए हैं। बताओ बची कुछ नहीं समझो, ये तो सारा करीब हुआ है, साल हुआ भाई ऐसा है। कुछ तो पहाड़ी इलाके में बरसात हुई रात कल की रही, कुछ ही हरी रात की, उसकी वजह से जो नदी की पटड़ी वगैरह है, नदी का बहाव सारा ही इधर ही हो गया। ये तो 20 साल से नदी का बहाव तो यही नहीं आया, नहीं गोवा मने आयो उधर नहीं रहा नदी का बहाव, जहाँ नदी थी नदी का बहाव तो यही गोवा मने का 20-25 गोवा मने। चला का बच्ची कहाँ भी देख रहे थारे सामने किले डूब रहे सारे। कितने एकड़ का नुकसान हुआ? कितने एकड़ का भाई, ज्यादा अंदाजा तो चलो मोटा अंदाजा बता रहा बेटा, 300 एकड़ का तो कतई तो जीरो ही लिया काम, इन मतलब बची कुछ नहीं। लोगों के जोन से पॉपुलर पॉपुलर थे बेचारे के लाए, कोई छोटा भी था कोई बड़ा भी था, किसी के 100 पेटे भी थे बेचारे के, सारे पटपुट लिए। क्या मांग करते हैं? मांग तो भाई देखो, हमारी तो सीएम श्रेणी नायब श्रेणी सी मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ का निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े मान लो आदमी हैं, तो कम से कम इन 20-25 गांव के बारे में कुछ ख्याल करो, कुछ सोचो, कतई देना ही ना मारो बेचारे जी। हमारी तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब तक हमारी बात पहुँचा और इस पर कुछ कार्रवाई करा। सोम नदी के उफान पर आने से करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए, सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई। ग्रामीणों ने कहा कि हर साल पहाड़ों का पानी सोम नदी में आता है, कई गांव को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे कई गांव प्रभावित भी होते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि सभी फसल नष्ट हो गई, घरों में भी पानी घुस गया, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों की मांग है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह तुरंत बाढ़ प्रभावित इलाकों पर ध्यान दें। वहीं ग्रामीण ने कहा कि सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई, हर साल प्रशासन इसको पक्का करता है, लेकिन इसी तरह से किसानों की फसल का नुकसान होता है। नुकसान हो गया जिम्मेदार भाई, जोर लगा तो आपने सुना होगा, पानी बहुत ज्यादा आया अगली बार, बरसात बहुत ज्यादा होने की वजह से नदियों उफान पे, बरसाती नदियां आए, पटड़ी टूटी है थोड़ी गई है जी, पटड़ी टूटी हो शायद जी, वहां तक तो कोई पहुंच नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता जी वहां जाकर क्या है। हर साल ही हुआ जी, हर साल किसानों का बहुत नुकसान हो रहा हमारे एरिया में। कभी कहा नहीं है, पक्का प्रबंध नहीं कराया आपने? बस दावे तो हर साल ही हुआ जी, ये तो 20 साल से ही रहे, भी हो जाएगा लेकिन होता तो कभी नहीं। आपको बता रहे कि इन दिनों नदियों के उफान पर आने से दर्जनों भर से ज्यादा गांव प्रभावित हुए, कई गांव की फसलें जलमग्न हो गई, तो कई जगहों पर गांव में और घरों में पानी घुस गया। यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट, सूर्या समाचार।